था, रेलवे रोको आंदोलन था, लेकिन आप लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ना। रेल रोको तो हम करेंगे, जो हमने तय किया वो करेंगे। पिछले 26 नवंबर से जो किसान दिल्ली में बैठा है, आज जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो हमारे देश के किसानों के खिलाफ जो बिल पास किए हैं, वो बिल बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने पीछे लेने चाहिए। इसलिए पिछले 2-3 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है किसान सभा की तरफ से। आप कह रहे हैं रेलों को आंदोलन करेंगे, कैसे करेंगे? आप लोग कितनी संख्या में है, उससे 3 गुना ज़्यादा तो पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय है। तो हम जाएंगे ना, हम तो करेंगे, इससे ज़्यादा भी पुलिस आएगी तो हम करेंगे। पुलिस ने आप लोगों से बातचीत की, अपील की कि शांतिपूर्वक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, खड़े होकर रेलवे रोकने की कोशिश ना करें। मैं हम रेलवे रोकेंगे वो भी हम शांति से रोकेंगे, हमें संवैधानिक अधिकार है। अगर हमारे खिलाफ, ये देश हमारा है, इस देश के हम सभी नागरिक हैं, ये देश किसानों पे चलता है, अगर किसानों के खिलाफ अगर कुछ पॉलिसी ली जाती है या कानून बनाए जाते हैं, तो हम शांति से, संवैधानिक अधिकार से हम हमारा आंदोलन आगे जारी रखें। क्यों विरोध है? आपको पता है जो 3 कृषि कानून है उसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? आपको खुद जानकारी नहीं तीनों बिलों के बारे में? देखिए सर, जब तक का मेरी जानकारी है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो मंडी है, मंडी जहाँ पे किसान अपना फसल गवर्नमेंट को बेचता है, वो जो मंडी है वो मंडी खारिज की जा रही है। अगर वो मंडी नहीं रहेगी तो फिर हमारा किसान अपना फसल कहाँ बेचेगा? सरकार बोल रही है कि सबके लिए ओपन किया जाएगा, लेकिन 1991 में जो पॉलिसी ली गई उससे क्या होता है? सरकार बोल रही है कि सब मार्केट ओपन किया जाएगा, उसमें हमारा ये जो छोटा किसान है, सरकार को नहीं मंडी खोलने की बात कर रही है, बजट में भी 1000 नई मंडियाँ खोलने और उसको ऑनलाइन तरीके से जोड़ने की बात कह रही है, तो मंडी बंद होने की बात कहाँ है? नहीं नहीं, मंडी ऐसा उसने ऐलान कभी किया? अभी ऐलान किया है, हमें भाव देना चाहिए, MSP का जारी करना चाहिए, वो नहीं कर रही है ना गवर्नमेंट, अभी वो करना चाहिए ताकि किसान को पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बात की है, होम मिनिस्टर ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में कुछ बीच में कहा कि इसकी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। ये कहाँ उसने डिक्लेयर कहाँ किया? तो अभी किसान जो हमारा दिल्ली में बैठा था, वो जारी करते तो बैठा था हमारा किसान, नहीं बैठता। अभी उन्होंने पीछे नहीं लिया और ये जारी भी नहीं किया। आपने 26 जनवरी को देखा जो क्या हुआ, तो इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम रेल रोको करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, देश विखलाना नरेंद्र मोदी चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, देश सेकना देश विखलाना नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 क्षेत्र एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। हाँ तो पुलिस वाले कुछ नहीं ऐसे कृपया सरकार जे चालू आहे सा थांबलं पाहिजे कुठेतरी। सर्वांना विनंती आहे आपण शांतता पाळा, पहिला आहे चेंगरा चेंगरी होईल। कॉम्रेड एक महिने थांबा, शांततेने पाळा, शांतता पाळा। पोलीस प्रशासन तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करते, आपण शांतता पाळा, चेंगर चेंगरी होणार नाही असं काही करू नका प्लीज। किसान समाज जिंदाबाद।